हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में ये एक रेवोल्यूशन रहा, ये जो इन्वेंशन है ये एक बड़ा रेवोल्यूशन रहा। बिकॉज यदि आपके पास एक डिजायरेबल जीन है और इसके बिलियंस ऑफ कॉपीज आप बनाना चाहते हो विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन कॉल्ड थर्मोसाइक्लर और PCR। This was invented by Carrie Mullis in 1985 and इनको 1993 में नोबेल प्राइज भी मिला है। तो आज का टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तीनों स्टेप्स को डिस्कस करूंगा, कैसे ये काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, थर्मोसाइक्लर का प्रिंसिपल क्या है, ये सब हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। देखिए, PCR जो है ना, सिंपल जस्ट लाइक एक फोटोकॉपियर की तरह है, एक जेरोक्स मशीन की तरह है। जेरोक्स मशीन में हम क्या करते हैं, एक कॉपी रखेंगे, उसको कमांड दे देंगे कि मुझे 100 कॉपीज चाहिए, मुझे 1000 कॉपीज चाहिए। आप कमांड दे दो और वो फोटोकॉपियर कॉपीज बनाता जाता है। यहां पर भी सेम है, ये मशीन में एक रिएक्शन मिक्सचर बनाना होगा और उस रिएक्शन मिक्सचर में जो जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स है अभी मैं बताऊंगा, वो आप ऐड करके बस उस टेस्ट ट्यूब को इस मशीन में आप डालेंगे, देन कमांड दे देंगे कि मुझे बिलियन कॉपी चाहिए, मुझे मिलियन, मुझे 30 साइकिल्स रन करना है, मुझे 50 साइकिल्स रन करना है, ऐसे आप कमांड दे देंगे। तो चलिए पहले रिएक्शन मिक्सचर कैसे बनाते हैं समझते हैं। देखिए, आप क्या कर रहे हो, एक डिजायरेबल जीन के बिलियंस ऑफ कॉपीज बनाना चाहते हो, तो पहले आप रिएक्शन मिक्सचर में उस टेम्पलेट को ऐड करिए जिसका आप नंबर ऑफ कॉपीज बनाना चाहते हो। सो ऐड द टेम्पलेट डिजायरेबल जीन, फाइन। सो टेम्पलेट ऐड करने के बाद रॉ मटेरियल्स ऐड करिए उस टेम्पलेट को। रॉ मटेरियल क्या होगा, वी आर मेकिंग जीन, वी आर मेकिंग सिंथेसिस ऑफ DNTPs, मतलब DNTP का मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, DATP, DCTP, DGTP, DTTP। सो रॉ मटेरियल्स ऐड करिए एंड यू नो दैट टेम्पलेट के ऊपर नया स्ट्रैंड बन रहा है तो एक पॉलीमरेज चाहिए। वो पॉलीमरेज होगा थर्मस एक्वाटिकस। टैग का मतलब होता है टैग पॉलीमरेज, इसमें ऐड करिए आप टैग पॉलीमरेज ऐड करिए। टैग का मतलब होता है थर्मस एक्वाटिकस। यू नो दैट ये हॉट स्प्रिंग्स, ये आप थर्मो एसिडोफाइल्स पढ़े थे जो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करते बिकॉज दे हैव थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। तो यहाँ पे क्यों नॉर्मल पॉलीमरेज यूज नहीं कर सकते ह्यूमन या प्लांट या एनिमल का, बिकॉज यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 95 डिग्रीज तक भी हम जाएंगे इस मशीन में। सो नॉर्मल DNA पॉलीमरेज यूज करेंगे तो वो डिनेचर हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया का पॉलीमरेज को हम ऐड करेंगे। फोर्थ कंपोनेंट, हमें प्राइमर्स चाहिए। वी नो दैट कोई भी पॉलीमरेज हो, ह्यूमन प्लांट एनिमल या बैक्टीरिया, ईच एंड एवरी पॉलीमरेज रिक्वायर अ प्राइमर, तो तभी आपको DNA रेप्लिकेशन पॉसिबल होगा। बिकॉज पॉलीमरेज कैनॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन, मेरे मॉलिक्यूलर बेसिस रेप्लिकेशन वीडियोस में भी मैंने बताया डिटेल में। सो टू टाइप्स ऑफ प्राइमर्स चाहिए बिकॉज वी हैव टू स्ट्रैंड्स, एंड मैग्नीशियम ऐड करिए, पॉलीमरेज एक्टिविटी रिक्वायर मैग्नीशियम। तो ये ऐसे एक रिएक्शन मिक्सचर बना के इस रिएक्शन मिक्सचर कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब को आप क्या करेंगे, इस मशीन में PCR थर्मोसाइक्लर मशीन में डालिए। टेम्परेचर थर्मोसाइक्लर इसलिए बोला बिकॉज टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे हर साइकिल में, इसलिए आपको क्या हो जाता है थर्मोसाइक्लर नाम दिए, पढ़ेंगे अभी। सो इस मशीन में रखिए एंड साइकिल्स कितना रन करना है, 30 साइकिल्स, 50 साइकिल्स, आप कमांड दे दीजिए। तो ईच साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे मैंने अभी ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब को जाके रखा, मेरे डिजायरेबल जीन के अभी बहुत सारे कॉपीज बनने वाले हैं, तो मैंने क्या बताया 3 स्टेप्स में आपको समझाऊंगा। एक एक साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट साइकिल स्टार्ट किया मैंने, 3 स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप इज डिनेचुरेशन, सेकंड स्टेप इज प्राइमर एनीलिंग, थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए फर्स्ट स्टेप डिनेचुरेशन, इस मशीन में टेम्परेचर सेट करेंगे हम फर्स्ट 95 डिग्री सेल्सियस, 94, 95, 96 अलग अलग बुक्स में रहेगा, 95 याद रख सकते हैं आप, 95 डिग्री सेल्सियस सेट करेंगे हम, तो मशीन का टेम्परेचर 95 हो जाएगा। एंड ये जो मैंने DNA ऐड किया टेम्पलेट, द टू टेम्पलेट्स, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA, ये देखिए सेपरेट हो गए, दिख रहा है आपको, ये एक हो गया ये, बिकॉज इतना हाई टेम्परेचर पे जब डिनेचुरेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स अलग हो ब्रेक हो जाएंगे। तो लुक एट हियर, ऐसे दो DNA स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, डिनेचुरेशन मशीन में हो रहा है, डिनेचुरेशन, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA सेपरेटेड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेकडाउन हुआ, 1 मिनट लगेगा, विद इन 1 मिनट में ये सब हो जाता है।
सेकंड स्टेप इज कॉल्ड प्राइमर एनीलिंग। प्राइमर एनीलिंग का मतलब जो आप प्राइमर्स ऐड किए थे ना तो वो जाके अटैच होंगे, लेकिन ये सेकंड स्टेप जो होगा टेम्परेचर सेकंड स्टेप के लिए सम अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस, मतलब द रिएक्शन मिक्सचर अलाउड टू कूल डाउन इन द मशीन इटसेल्फ। मशीन में ये ऑटोमेटेड मशीन है, इसमें 95 डिग्रीज हो गया, स्लोली 55 हो जाएगा। जैसे ही कम हो गया तो ये जो प्राइमर्स ऐड किया था मैंने, देखिए जो प्राइमर्स ऐड किया वो प्राइमर्स जाके अटैच हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सपोज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है समझो, तो प्राइमर 3 प्राइम एंड को अटैच होगा। क्यों? बिकॉज ये 5 प्राइम हो जाता है तो डीएनए सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, पॉलीमरेज एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा इसलिए। सो इधर भी देखिए, सो दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दिस वन इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो देखिए अनदर सेट ऑफ अनदर प्राइमर आल्सो अटैच टू विच एंड 3 प्राइम एंड, सो दैट पॉलीमरेज या डीएनए सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखिए इनवाइवो में एक लीडिंग स्ट्रैंड बना, एक लैगिंग बना रेप्लिकेशन में, लेकिन यहां ऐसा कुछ लैगिंग स्ट्रैंड कुछ नहीं होता है, दोनों के दोनों लीडिंग स्ट्रैंड होंगे। और आपको यहां पे कितने कॉपीज बनाना है उसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट है, और उसके अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ डीएनटीपीस अमाउंट ऑफ प्राइमर से ऐड करोगे। तो मैंने बता दिया सेकंड स्टेप क्या है, यहां पे रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर कम हुआ, सो देखिए ये प्राइमर्स अटैच हुए, ये देखिए प्राइमर्स का अटैचमेंट हुआ किसके साथ, टेम्पलेट के साथ, इग्नोर दीज वाइट लाइंस। सो ये देखिए प्राइमर अटैच हुआ, किस एंड पे अटैच हुआ, 3 प्राइम एंड पे हो गया। सडनली रिएक्शन मिक्सचर का ये भी 1 मिनट के लिए होगा, देखिए एनीलिंग अटैचमेंट प्राइमर 1 मिनट के लिए, फिर एक्सटेंशन सिंथेसिस बोलो, सो टैक पॉलीमरेज आ जाएगा, ये यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 72 डिग्री 2 मिनट्स के लिए एक्सटेंशन होता है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका नया स्ट्रैंड बन गया। सो दैट्स इट, वन साइकिल इज कंप्लीटेड। तो आफ्टर वन साइकिल एक डीएनए से 2 डीएनए मिला, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सो इन दिस वे डिनेचुरेशन एनीलिंग एंड एक्सटेंशन तीनों स्टेप्स को समझ सकते हैं। डिनेचुरेशन में 2 स्ट्रैंड सेपरेट हुए बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस, सडनली रिएक्शन मिक्सचर अलाउड टू कूल डाउन, सो 55 डिग्रीज पे अनिलिंग, ये देखिए प्राइमर्स का अटैचमेंट हो जाता है, प्राइमर्स का अटैचमेंट। सडनली टेम्परेचर बढ़ जाता है 72 डिग्री सेल्सियस मशीन में, विच इज आइडियल फॉर टैग पॉलीमरेज एक्टिविटी, सो दैट यूर न्यू स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड, ये देखिए नया स्ट्रैंड बन रहा है। सो फाइनली एक डीएनए था, यहाँ 2 स्ट्रैंड्स मिलेंगे, एक साइकिल कंप्लीट हुआ तुरंत, आपको इंस्टेंटली टेम्परेचर मशीन में फिर से 95 हो जाएगा, सो फिर से 55 हो जाएगा, फिर से आपका नेक्स्ट क्या हो जाता है 72 हो जाता है, मतलब एक साइकिल के लगभग 3 से 5 मिनट लगेंगे, 3 से 5 मिनट 3 to 4 minutes 5 मिनट्स वेरी गुड। सो ऐसे इतना टाइम में एक साइकिल, ऐसे नंबर ऑफ साइकिल्स जैसे चलते रहेंगे आपके डिजायरेबल जीन के मल्टीपल कॉपीज, मिलियंस ऑफ कॉपीज, बिलियंस ऑफ कॉपीज। एनसीईआरटी में लाइन है आफ्टर 30 साइकिल्स बिलियंस ऑफ कॉपीज मिलेंगे, ये देखिए यहाँ लिखा है आफ्टर 30 साइकिल्स अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज, या बोलिए आफ्टर एन नंबर ऑफ साइकिल्स 2n मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाते हैं। तो मैंने तीनों स्टेप्स समझाया, एक साइकिल ऐसे नंबर ऑफ साइकिल्स रन करते रहिए। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज थर्मोसाइक्लर, हाउ टू प्रिपेयर रिएक्शन मिक्सचर, एंड दिस वाज अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। थैंक यू, धन्यवाद, वीडियो को जरूर लाइक करना है एंड शेयर करिए।